नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजन कुमार राज की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष और पूर्व विधायिका नगीना देवी के समधी के भाई राजखंड औराई जिले के मुजफ्फरपुर निवासी विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता का देहांत शुक्रवार को पटना के पारस हॉस्पिटल में हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुजफ्फरपुर के सिकंदपुर के मुक्तिधाम में हुआ, जिसमें राजीव रंजन, राकेश रोशन, रीना रानी गुप्ता, जदयू नेता देवानंद, सुनील प्रसाद गुप्ता, मनोज गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, किशोरी गुप्ता, राम प्रसाद गुप्ता, प्यारेलाल गुप्ता, सुशील गुप्ता, मुजफ्फरपुर के वार्ड पार्षद धीरज गुप्ता के साथ सैकड़ों लोग शामिल थे। धीरज गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार गया में भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का गया स्टेशन पर बिहार विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कुमार बाबू, जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने फूल देकर स्वागत किया। बौद्ध गया में अखिल भारतीय केंद्रीय उत्पाद के केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में दीप जलाकर बैठक का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बिहार भाजपा के संगठन महामंत्री नागेंद्र महाबोधि, महाबिहार के मुख्य भिक्षु चलिंदा, बिहार विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह, गया जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा, उत्तर प्रदेश के भाजपा कार्य समिति के सदस्य पीएन पाठक और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। धीरज गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला गया के फाल्गु तट पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की नगरी पहुंचे। मंत्री ने अपनी पत्नी के साथ कर्मकांड संपन्न कराया और इसके बाद भगवान विष्णु चरण की विधिवत पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य पीएन पाठक, बिहार प्रदेश के संगठन महामंत्री नागेंद्र, बिहार विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा मौजूद थे। गया में 150वीं गांधी जयंती के शुभ अवसर पर महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा शौच मुक्त, नाश रहित, बाल विवाह और दहेज प्रथा मुक्त बिहार बनाने का संकल्प दिलाने हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गया जिले के शिक्षा और विधि मंत्री सह प्रभारी मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने दीप जलाकर किया। इसमें स्वच्छता के प्रति सजग रहने, गंदगी नहीं करने ना करने देने, बिहार को खुले में शौच मुक्त बनाने, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने आदि का संकल्प दिलाया गया। यातायात परिवहन विभाग की ओर से अक्टूबर को सड़क सुरक्षा महीने के रूप में मनाया जा रहा है। इस संबंध में परिवहन विभाग और तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग स्कूल ने संयुक्त रूप से यातायात जागरूकता रैली सोमवार को निकाली। रैली महुआ बाग से प्रारंभ होकर विश्वेश्वरगंज, सकलेनाबाद से होते हुए लंका मैदान पहुंची। लंका मैदान में रैली समापन के बाद लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर सुवात सिंह, रजनीश मिश्रा, राशिद खान, विकास राय आदि शामिल रहे। गया जिले के स्थापना के 153 साल पूरे होने पर बुधवार को जिले के जिला प्रशासन ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। गया के हृदय स्थली टॉवर चौक से गांधी मैदान के हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम तक रन फॉर गया वॉक का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत गया के जिला अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह और SSP राजीव मिश्रा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर की। साथ ही डॉक्टर फारसत हुसैन, अनिल स्वामी, धनराज शर्मा, कमलेश सिंह, नगर निगम के पार्षद, गया के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा भी लिया। चित्रा मुद्गल के मुताबिक राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के कर्मचारियों ने आह्वान पर चल रहे अनिश्चितकालीन प्रदेश व्यापी चक्का जाम के 17वें दिन अर्ध नग्न होकर रैली निकाल कर अलवर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, इस मामले में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो रही और इसी वजह से यात्रियों को काफी समस्या भी झेलनी पड़ रही है। राजस्थान के आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर के कायड़ में पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भले ही देश और दुनिया के लिए प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन बीजेपी के लिए मैं एक कार्यकर्ता हूँ।
बीजेपी के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जनसभा में मौजूद लोगों ने हर हर मोदी के नारे भी लगाए। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में एक साथ चुनाव होंगे, जबकि तेलंगाना में अभी चुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ आज से ही इन 4 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू भी हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव में आधुनिक ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही मतदान की वीडियोग्राफी भी होगी। दोहा में फैशन वीक इंटरनेशनल 2018 में रैंप पर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने जलवे बिखेरे। ऐश्वर्या डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का व्हाइट और रेड कलर का गाउन पहनकर रैंप पर कैटवॉक करती नजर आई। इस लुक में वो प्रिंसेस लग रही थी। ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इस शो के कई फोटोज शेयर भी किए हैं। खास बात ये रही कि रैंप पर मॉमी ऐश्वर्या के साथ आराध्या भी दिखी। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।